कसम चल रहा है, अपनी दुनिया ये बना रही है क्या? चाय 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 तो मैंने ये ना मतलब हरिद्वार के लिए मंगवाई थी। वैसे हम लोग ना 30 मिनट में पहुंच गए हैं। ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मम्मी लाइट ऑन करना। नहीं मम्मी हम बिना लाइट के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तू तो दिख ही नहीं रही। ये हम लोगों की पैकिंग चल रही है। यहाँ पे हम लोगों ने सब पैक कर लिया है एंड पैकिंग अभी चल ही रही है हम लोगों की। और मम्मी देखो आदित्य जरा मेरे सैंडल देख ले जरा, ये मेरा पार्सल आया था। हाँ मैंने ऑफ स्कूल में आया था ना, इसे खोल। ये रहा, ओ भाई बढ़िया लग रही है। देखो गाइस, तो मैंने ये ना मतलब हरिद्वार के लिए मंगवाई थी क्योंकि मुझे कंफर्टेबल हील्स चाहिए थी। सो मैंने इनको मंगाया है। ये रही, मैंने 3 मंगवाई थी। एक ये रही एंड एक ये रही। मेरे लिए आए हैं चाय से खाने के लिए मट्ठी। एक इस तरीके की मट्ठी आई है एंड ये समोसा एंड ये वाली मट्ठी और ये वाली मट्ठी, दोनों में डिफरेंस है। प्लस मेरी फेवरेट रस मलाई पेशे है। मेरे पापा गुप्ता स्वीट से लाते हैं। ये कहाँ पे है देखो, अगर आप में से किसी को ऑर्डर करनी है ना तो आप कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग होने वाला है पैकिंग के ऊपर, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं हरिद्वार। इन सैंडल्स के अलावा मेरे पास एक चीज़ और है, ये रहा। इसको मैंने कल ओपन नहीं किया, ये कल आ गया था। इसको अब मैं ओपन करती हूँ। मेरा पावर बैंक जिसको मैं अभी चार्ज पे लगाने जा रही हूँ। So here is a power bank. इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। चार्ज हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे लाइट जल रही है। पावर बैंक को मैंने अमेजोन से परचेज किया है और 2 दिन में मुझे मिल गया है। मैंने ना स्पेशली हरिद्वार के ब्लॉक के लिए बनाया था क्योंकि लास्ट टाइम वृंदावन गई थी ना, तो वहाँ पे मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था, मैं चाय शॉप पे जाके अपना फोन चार्ज कर रही थी। राइट गाइस, मेरी ना पैकिंग हो गई है। ये बैग फुल सेपरेट मेरा है एंड ये बैग ऑल्सो, ये दोनों बैग मेरे हैं। और अभी थक हार के मैं आई हूँ अपना खाना खाने। मेरे घर बना है राजमा चावल। अभी मेकअप मैंने अपना रिमूव किया है। इतनी गर्मी हो रही है आजकल, तो बहुत गर्मी हो गई है। मैंने ये वियर किया हुआ है, मैंने सोचा कि क्या ही चेंज करूँ, इसी में जाऊँगी। तो चेंज नहीं किया मेरे फेस पे, आपको ना थोड़ा डस्ट या ऑयल सा लग रहा हो क्योंकि अभी मैंने ना मेकअप रिमूव किया है। तो यार अभी मैं खाना खा लेती हूँ। और हम लोग की ट्रेन है, कितने बजे की है हम लोग की, इसको देखो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। और ये मेरा यहाँ पे खाना रखा हुआ है, मेरा अकेले का खाना नहीं है। मेरी बहन और मैं, हम दोनों मिल एक साथ खाने वाले हैं। और हाँ, हमारी ट्रेन कितने बजे की है? 1 बजे की हमारी ट्रेन। 1 बजे की हम निकलेंगे। कितने बजे? 2:45 की हमारी ट्रेन है। हम लोग निकलेंगे 1 बजे, तो मतलब हमारा सोना तो कैंसिल है ना, सोएंगे नहीं। और या मेरी जो मामी का लड़का है वो हम लोग को रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करेगा। और हमारे साथ हम 5 जा रहे हैं, हमारी फैमिली जा रही है प्लस और हमारी कज़न है मासी का लड़का एंड दीदी, मोनिका दीदी और मानशु, हिमांशु नाम है उसका। तो हम लोग सब जाएंगे या ट्रेन में। हम लोग की ट्रेन मसूरी एक्सप्रेस है आई थिंक। बाकी व्लॉग कंटिन्यू रहेगा ये। आज मैं आप लोगों से पूरी रात भर बातें करने वाली हूँ। या मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस व्लॉग को। मैं बहुत ज़्यादा ना एक्साइटमेंट थी, मतलब कि वाओ, मैं एक तो इस चीज़ की मुझे नीड थी, एक तो वो मिल गया, उस चीज़ की खुशी अलग और जाने की खुशी अलग। बहुत दिनों बाद हम लोग ना ट्रेन में ट्रैवलिंग करेंगे और ट्रेन की ट्रैवलिंग तो आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा मज़ा आता है ना। बिल्कुल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अब देख रही हूँ क्या क्या भर रखा है इन्होंने। सबकी चल रही है तैयारी और मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ पहले से ही। बस मुझे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाना है। मुझे जस्ट थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाना है और फाउंडेशन, दैट्स इट। बाकी तो रेडी हूँ। और इसका देखो सारा मेकअप का सामान निकल रहा है। इतने बजे भी बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 12। ये देखो मेकअप चल रहा है, मेकअप शेकअप जस्ट स्टैप। यो मम्मी लाइट ऑन करना। नहीं मम्मी हम बिना लाइट के ज्यादा अच्छे लग रहे। तू तो दिख ही नहीं रही। ओके यू गाइस, ये रही मेरी ब्लैक जींस।
एंड ये हमारा चॉप, सारा सामान पैक हो गया है। ये रात के टाइम खा रही है खाना। मम्मी देखना मेरा सबका सामान पैक हो गया। मम्मी ने तो ऐसा पैक किया है, इसमें सारे फ्रूट्स भर दिए और ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पापा अंदर रेडी हो रहे हैं, पापा भी रेडी हैं, पापा रेडी हो रहे हैं और बाकी छोटी बहन और मैं निकल रहे हैं। छोटी बहन और मैंने सोचा तब तक कि कज़न आ गया है हमें ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना निज़ामुद्दीन तक छोड़ेगा, तो या हम मैंने सोचा कि तब तक हम लोग जाके कार में बैठते हैं। मम्मी पापा टैप करती हूँ। नानी बस कौन रहेगा फिर? आपको भी चलना है? नहीं नहीं चलना, कहाँ जा रहे हो आप? युवान एरोप्लेन कैसे चलता है? नहीं नहीं बाय, मेरा खाऊंगी पीऊंगी अपने फूड। वो तेरी सीट पे आएंगे, तेरी सीट पे आएंगे, तुम दोनों एक सीट पे बैठे सही है, बैठ बेनिफिट होता है। मैं नहीं बदलता हूं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं तो कंफर्टेबल हूं। ठीक नहीं ठीक है। All right guys, तो हम लोग निकल गए हैं। गाइस मुझे तो कार में बैठे बैठे नींद आ गई थी। वैसे हम लोग ना 30 मिनट में पहुंच गए हैं, ट्रैफिक नहीं था। हाँ थोड़े ट्रक थोड़ा बहुत था, ट्रक की वजह से ट्रैफिक। और यहाँ मेरी ना सांस फूल चुकी है ऑलमोस्ट। अभी टाइम हो रहा है 1:44 चाय 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 आप बोला ही थी, अब बोल। स्टेशन पे है, खाना दीदी की चाय चल रही है, मम्मी का फ्रूट चल रहा है। वाओ तुम लोग करो। मैडम वाली दीदी आलू खा रही है अभी आ रही है। दीदी कच्चा आलू खा रही है, दीदी को दिखो इसका। देखो अभी 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 राजमा चावल खा के आई है और इसको फिर से भूख लग गई। क्या खा लिया? मेरे सबसे ज्यादा घटना अच्छा भेल पूरी खा ली आज। उसको सोया उसको बड़ी पसंद आई, मिर्च भी लग रही है और वही खा रहा है। युवान युवान वेरी गुड। खट्टी मीठी तो नहीं है? ऑल राइट गाइज, फाइनली इतना वेट करते करते ना हमारी ट्रेन आने वाली है और अभी हो गया 2:30। अभी अनाउंसमेंट भी हो गया कि 2:45 तक आ जाएगी वो। पीछे मेरे पापा बैठे हैं, यहाँ पे ग्रुप में बातें चल रही है। चलो चलो मैं तो ऊपर चढ़ रही हूँ, मैं तो ऊपर चढ़ रही हूँ। अभी बातें करेंगे यार मम्मी, और सब एकदम कंफर्टेबल होके बैठे हुए हैं। अभी ऊपर वाली सीट पे आके बैठी हूँ,
8:20 पे हम लोग यहाँ से मतलब उतर जाएंगे, ट्रेन हमें उतार देगी एंड देन उसके बाद ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी। फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पे करती हूँ स्टॉप, बिकॉज मुझे आ रही है बहुत ही नींद। आप लोगों को मेरी आंखों से भी लग रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है एंड ये रहा मेरा बैग जो कि गिरे जाना है। मैंने ना अपने दो बैग एकदम पर्सनल पैक कर रखे हैं। एक ये है मेरा छोटा बैग जिसमें मैंने ना मेकअप का रखा हुआ सामान एंड ये है मेरा थोड़ा सा पिट्ठू बैग, इसमें मैंने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। एक्चुअली मैं गई जब मैंने चिप्स खाने क्या बोल नहीं मैं उधर ही आऊंगी। देखियो मम्मी देखियो, पीछे हो जा, पीछे उधर हो, उधर किधर, उधर उधर एकदम कोने में, कोने में ना। दीदी को पीनी है, पानी दे मुझे, बस पानी पीना है। इनका सही चल रहा है अपनी दुनिया, ये बना रही है क्या मेरी वीडियो? अपनी भी बना रही खाते खाते। मस्त खाना पीना चल रहा है, मजा आ गया। सेवन फिफ्टी हो रहे हैं, सब नींद ले लेके उठ चुके हैं और हम लोग भी उठ गए हैं। पापा भी आ गए, पापा की सीट ना हम सबसे अलग थी, हम लोग की सबकी एक साथ थी सीट और पापा की सबसे अलग थी और 8:20 पे हमें पहुंचा देगी और मे भी ये जहाँ भी रुकेगी वो लास्ट स्टेशन होगा, मतलब वो लास्ट स्टेशन से आगे फाइनली गाइस हम लोग ना यहाँ से बाल कैसे हो रहे हैं मेरे अजीब से, एक्चुअली पीछे ना मैंने रबड़ लगाई है। फाइनली गाइस हम लोग ना ट्रेन से उतर गए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ धर्मशाला में पहुँच गए हैं और या इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। जब मैं वहाँ रूम की एंट्री करूँगी तो वहाँ से मैं एक नया ब्लॉग शूट करूँगी। तो या अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट कंटिन्यू ब्लॉग में, पार्ट 2 में। बाय, लव यू ऑल।